हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीबी ऑटो टैक। फ्रेंड्स, अल्टो की जर्नी 2002-2003 में शुरू हुई, जो कि एक हिट साबित हुई। सेकंड जनरेशन अल्टो 2012 में लॉन्च हुई। उसके बाद कस्टमर की डिमांड को देखते हुए 2019 में अल्टो का नया मॉडल लॉन्च हुआ, जो कि BS6 नॉर्म्स के अनुसार था। और दोस्तों, अल्टो का ये मॉडल भी काफ़ी हिट हुआ। आज अल्टो के 40 लाख से ज़्यादा हैप्पी कस्टमर हैं। इस गाड़ी को 6 से ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी और भी वीडियो लेकर आते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको न्यू अल्टो के फीचर्स बता देते हैं। बॉडी कलर, बम्पर्स, बॉडी साइड मोल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी। और इसमें आपको डोर हैंडल्स बॉडी कलर्ड ही दिए गए हैं टॉप 3 मॉडल्स में। चलिए अब इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर की अंदर से जहां तक बात है, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन दिया गया है और पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट की गई है। ड्यूल एयरबैग आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, इस गाड़ी में आपको रिमोट कीलेस एंट्री देखने को मिल जाएगी और स्पीड सेंसिंग डोर लॉक इसमें दिया गया है। म्यूजिक सिस्टम इसमें दिया गया है, जिसमें आप USB ऑक्स और रेडियो का के थ्रू एंटरटेनमेंट ले सकते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है, जिससे आप बेटर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और जहाँ तक इंटीरियर की बात है, ड्यूल टोन में आपको इंटीरियर देखने को मिल रहा होगा। स्टेयरिंग व्हील के ऊपर भी आपको सिल्वर एक्सेंट देखने को मिल जाएगा। और जहां तक स्पीडोमीटर की बात है, एनालॉग में आपको देखने को मिल जाएगा। सीट बेल्ट रिमाइंडर इसमें डिस्प्ले में आप देख सकते हैं। AC हीटर इसमें दिया गया है। डॉक सिस्टम इसमें आता है। एक्सेसरी सॉकेट्स देख सकते हैं। और साथ में आपको 2 बॉटल होल्डर इसमें दिए गए हैं। फ्रंट पावर विंडोज़ सेंटर लाइन में दी गई है, जिसकी हेल्प से पैसेंजर और ड्राइवर दोनों इसका यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का हमारा इंटीरियर डिज़ाइन दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस गाड़ी में एक्सेसरीज़ किट लगी है, जो कि इसके लिए ही आती है। 19,000 इसका प्राइस है। और इस किट में ही आपको ये कैमरा देखने को मिल जाएगा। और इस कैमरा, इसकी डिस्प्ले, स्टेयरिंग व्हील कवर, मैट, सीट कवर, बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर वगैरह इस गाड़ी में दिए गए हैं, जो कि एक्सेसरीज़ किट में आते हैं। नॉब स्टिक आपको साथ में दी जाती है, जिसकी हेल्प से आप रियर विजिबिलिटी सेट कर सकते हैं। और जहाँ तक रियर सीट्स की बात है, इसमें आपको उतना ज़्यादा स्पेस तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप हेडरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। और साथ में आपको इंटीरियर कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। MM की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ये गाड़ी आती है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप इसमें दिया गया है। बूट स्पेस इसमें ठीक ठाक ही है। पार्सल ट्रे आपको टॉप 2 मॉडल में देखने को मिल जाएगी। और हेडरेस्ट आपको LXi वेरिएंट से ही देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, जहाँ तक एडिशनल टायर की बात है, वो इस गाड़ी में दिया हुआ है। और इसमें पार्किंग सेंसर्स आप देख सकते हैं। चलिए अब आपको इसके इंजन के बारे में बता देते हैं। 796 CC का इंजन इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा। और इस गाड़ी में आता है BS6 के नॉर्म्स के अनुसार ये इंजन दिया गया है। जहाँ तक पावर की बात है, 35.3 किलोवाट की पावर ये जनरेट करता है।
6000 RPM के ऊपर, और टॉर्क की जहाँ तक बात है 69 Nm का टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है 3500 RPM के ऊपर। और जहाँ तक कंपनी की माइलेज की बात है 22.5 km/L की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। दोस्तों CNG की माइलेज क्लेम 31.58 km/kg दी गई है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, हम ऐसी और भी वीडियो लेकर आते रहते हैं। प्लीज़ कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।